पूरा बैंड कर दियो सोनू, पूरे स्टेसी कर दियो यार। हाँ यार, नहीं यो थारो ही काम है, थारो ही काम है। ये देखो ना एडीम तो अपन ने मेसी वाली रेस लगाई है, इसका भी बहुत फायदा यार। ये लो भाई साहब, सारा सामान हटता हुआ दिख रहा। वो क्यों दिख रहा? क्योंकि ये सिडिल तो अपनी देखो, वो बोने की मूंग और सोयाबीन दूर दूर फल्ले वाली 14 इंच, और जो पीछे रखी है सिडिल ये है भाई साहब गेहूं वाली अपनी, मतलब यो है 9 इंच पे। तो इसको निकालना है क्योंकि गेहूं बोने की तैयारी अभी तो नहीं है, अभी तो लगेंगे कम से कम 10-12-15 और ज़्यादा समय भी। बट इनको निकालना तो पड़ेगा ना, इसकी कुछली उसली की सेटिंग करना पड़ेगा कि कोई से अगर गड़बड़ हो, कुछ नली वली ख़राब हो, तो इसके चक्कर में ये अल्टीनेटर हटा के सारा सिस्टम सौदा हटा के फिर निकालना पड़ेगा 735 से। और 855 तो गया भाई साहब तोता चलाने, वो भी तुम्हें दिखाऊंगा। अभी चलेंगे आज या तो रात भर चलाएंगे, आज भी इसके नट टूटे थे यार, कोई से पता नहीं कौन से टूट गए थे। ये देखो एक ये भी टूट गया, एक वो खुल गया, ये वाला खुल गया, ये वाला टूट गया। तो इसको भी बाहर निकाल के इसका भी इलाज करवाना पड़ेगा, अभी तो नहीं, इसका तो बाद में कराएंगे अपन। सबसे पहले तो इसको बाहर निकालता हूँ ना, वो ट्राली खोल के आते हैं और फिर निकालते हैं इनको बाहर फटाफट से। ये एक के पीछे एक सामान खड़ा रहता है, ये भी बहुत बड़ी आफत है यार। आंदव रिवर्स, सारा सामान निकालना पड़ेगा फिर जाके अपनी पीछे वाली सीढ़ी लाएगी। चलो पाल भी हटा दिया, अब निकल जाए। ड्रम करनी है, एक आइटम खुल गया, रोटावेटर की बारी। रोटावेटर भी आ गया, रोटावेटर खोलते हैं अब। रोटावेटर चलो, एक आइटम और खोल लिया। ये फोरके पे क्यों हो जाता है यार बार बार? प्रेम भैया कलाली पे जाना जरूरी है, कहाँ जाएगा ये कलाली पे? जल्दी का काम, शैतान का काम, अड़ जाए पता लगे। इतना चिपका के खड़ा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। देखो बहुत बचाते बचाते लाया। अभी भाई चलते हैं सीधा अपने खेत में 2 घंटे बाद, क्योंकि तोता चला रहा है सोनू, और फिर आपसे खेत में चल के मिलता हूँ सीधा। हेलो भाई, मैं विवेक, पता नहीं ये मैंने बोला कि नहीं। अभी तुमने देखा कि अपन ने अपने रोटावेटर को निकाल लिया बाहर, लेकिन उसको कर दिया अंदर। 2 सीडिलों को निकाली थी, सारी अंदर कर दी। एक सीडिल रखी जो थी 9 इंच वाली, और मेरी बाटल गिर गई यार है। इसको मैंने यहाँ चीप के लाया था निंजा टेक्निक से, क्योंकि इसमें ये वाला नहीं है, ये सिस्टम नहीं है। ये बहुत प्यारा सिस्टम है इसमें, तो एक ही ली। चलो नहीं, वो पानी गिर रहा यार। एक अब तू पकड़ना वालों है तो ले, जल्दी पकड़ यार। तू पकड़ मैं चलूँ आज। अरे यार तू उधर कच्चा बेकार रास्ता है, तू तो पकड़ कर उठ जा चुपचाप पीछे। अरे बनू यार तू। अरे मैंने आया जब से साइन नहीं चला। क्या कहना चाहोगे? छोटू ए हां अंगूठी दे। क्या कहना चाहोगे बोलो? कुछ कहना नहीं चाहता। अरे गाड़ी नहीं चलान दे रहा। गाड़ी तो मनु तू फेंक भाग दे यार, तू बच्चों है अभी। हाँ, तो बात ये थी कि 9 इंच वाली सीडिल अपन ने निकाल लिया। अब उसको देखना पड़ेगा, मतलब गेहूँ बोने में तो समय है, बट उसको देखना पड़ेगा कि भाई कोई कोई से उसके फल्ले अल्ले सही है या नहीं है। नली वली एक बार चेक हो जाएगा तो बढ़िया ऑयल वॉयल देके एकदम रेडी कर देंगे। बाकी बहुत से भाई पूछ रहे थे तुम सोयाबीन के बाद क्या बोओगे, मतलब अलग अलग जगह के होते हैं, अलग अलग स्टेट की, तो उनको पता नहीं रहता। हम बोएंगे गेहूँ के बाद सोयाबीन के बाद गेहूँ, और गेहूँ के बाद मूँग, और लगभग पंजाब में भी तो गेहूँ ही बोएंगे धान के बाद। तो उसके लिए बाकी अभी हम कहाँ जा रहे हैं, रात के 7:56 लगभग 8 बज गई, सोनू चला रहा है ट्रैक्टर। कल देखा था तुमने डे वन तोता का, आज है डे टू तोता चलाने का। हम रात रात में इसलिए ख़त्म कर रहे हैं ताकि अपना काम भी जल्दी ख़त्म हो जाए, प्लस दिन में अपन दूसरा काम भी कर लें, और कल अपने को दिन में सोयाबीन कटाना है, इसलिए रात में जितना खेत बचा वो पूरी पता लग गया। बजबो मनु, हमारी तो जान बच गई रे, हमारी बिल्कुल नहीं पड़ती। अरे मेरे पीछे उस दिन कल तुमने देखा होगा कोले होने लग गए थे। काई बोले यार कोले होने कोले 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 ही बोले बॉक्स लोमड़ी, ये देखिए ये इधर पलटा कैमरा पलटा जा रहा है, ये जा रहा है। अरे दो जा रहा तो लोमड़ी लग गई थी और आज लग गया पलटा। चलो अभी फटाफट से खेत में चलते हैं, फिर मिलता हूं। चल रहा है ट्रैक्टर,
और ट्रैक्टर ने खेत यार बहुत निकाल दिया। ये देखो मतलब 3-4 घंटे और तू उधर कहाँ जा रही है भैया? तू ट्रैक्टर तो यहीं आ गई ये हाँ सब घुमा को नहीं यार कसो तू पागल है। अरे तो वहाँ से हटाना पड़ता है गाड़ी। अच्छा चलो जी पानी की वो तेरी भैंस की यू अच्छी गिरती रहे यार। वाह यार देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये लो भाई साहब हमारा लाल आग का जहाज आँख में दिख रहे इसके दिखेंगे एक मिनट दिखे ये है लाल आग का जहाज। पर यार भाई बाकी में ये बात तो देखो मानने की है यार। मैं तो सोच रहा था कि दूसरा ट्रैक्टर लेना पड़ेगा ये सर ये इससे कुछ नहीं होगा लेकिन ये पता नहीं बार बार ये बताता है कि भाई साहब मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा जो मर्जी कर लो। मतलब इतना काम इसने निकाल दिया इधर कि मैं खुश हूँ इसको देख के। और आवाज़ सुनो अब तुम। अच्छा तुम मेरे को ये बताओ कि इसकी आवाज़ जो नया 855 है सबने सुन रखी होगी नए वाले की उससे इसकी डिफरेंस लगती मतलब डिफरेंट समझ रहे हो डिफरेंट बोलना चाह रहा हूँ मैं अंग्रेजी कमजोर भी तो अपनी लगती कि नहीं यो बताना कमेंट करके। भाई साहब आपको डर का क्या हाल है आप इधर अकेले ट्रैक्टर चला रहे आसपास देखो कोई सा ट्रैक्टर कुछ नहीं है तो तुम्हारी फटी तो हो देखो मजाक से हट कर थोड़ा तो लगे हो देख डर कोई फर्क नहीं पड़े हो। हाँ यार खेत तो निकाल दिए यार सोनो यो बड़ो प्लाट है नी एकाली एक पतो नहीं चल रो 100 ट्रैक्टर चल ही चल रो हाय हाय गरम भी नहीं हुआ। डीजल नहीं लाया यार। हाँ यार ये मैं डीजल भी कम खाया यार सुनो यार खेत से भी देखो डीजल का फर्क पड़ रहा। और नहीं तो कल कितो पी रो थो लपा खा दब नहीं रो गई कल तो धुआं मतलब कल लोड रो दब लो पर किलो है वो मतलब खेत सूखो है एक हाई में तो भैया पिलाए कोई डीजल इसकी कोई गलती नहीं है। मच्छर घुस गए मुंह में। आज अपन ये पूरा खत्म कर देंगे और सुबह कटाएंगे सोयाबीन। बोलो तारा रा। है खजूरी का माल करती ही बोलो तारा रा रा। अरे वही दिख रहा कलिया वही दिख रहा तो दिखा क्या अभी गाड़ी ली जा तू जा वो सामने मेड़ दिख रही भाई साहब वो वहां पे वहां तक करना बट इधर खेत चौड़ा है और हो गया 8:15 को मैं बैठा हूँ समझो तो हमें मेरे ख्याल है कि 1 से 1.5 बजे तक जो कल फ्री हुए थे ना हम सेम टाइम को फ्री हो जाएंगे मैनू 1:30 बजे तक। और एक हाई में चलाया था इसने तभी मैं सोचूं कल इतना डीजल क्यों पी रहा यार ही हो मैंने तो खैर लो टॉप में चलाया था पर हमारा सोनू डॉन का कोई अंदाज नहीं कौन सा गियर फंसा दे। उसके बाद मतलब कल अपने घर वाले खेत की सोयाबीन कटाना है जो दूसरी साइड रह गया था नहर के दूसरी साइड उसके बाद में भाई फिर इसका नंबर लगेगा। ये सामने दिख रही है ना ये वाली ये सबसे लेट कटेगी अपनी लास्ट डे में यही वाली आएगी सोयाबीन। अभी देखो हरी लग रही वो बताओ और ऊपर वाला खेत बखरा गया ये अभी हरी है। भाई साहब इसमें जो अपन ने मेसी वाली रेस लगाई है इसका भी बहुत फायदा है यार ऐसे बढ़िया आराम से पैर रख लो दोनों साइड और चलने दो आपको फिर फ्लैट प्लेटफॉर्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी चलाओ बढ़िया और क्या। पीछे देख ही नहीं रहा था और देखो पूरा चौक हुआ मैं ऐसे टायरों को देखूं मैंने कहा यार ये एकदम इतनी जोर जोर से स्लिप क्यों मार के चल रहा है फिर पीछे देखा मैंने तो ये हाल हो गया था तभी तो इतनी जोर जोर से स्लिप मार रहा था ये बट मैं देख ही नहीं पाया पीछे। ये है भाई हमारे रात का तकिया और अभी हो चुकी है 9:05। अब ये बोल रहा है मैं जाता हूँ तो मंगा ठीक है तुम जाओ मैं पानी पीने की ये बाटल ले जाती हरमन के ट्रैक्टर की और फिर एक तो कहीं नहीं एक से तो ऊपर ही हो जाएगा यार एक से तो ऊपर हो जाएगा आराम से क्योंकि खेत ऐसे लंबाई बहुत है इसकी इधर से तो मैंने तुमको मेर दिखाई थी बट ऐसी लंबाई इसकी ज़्यादा है जिस चक्कर में समय हमको एक तो समथिंग हो ही जाएगा।
लो भाई साहब, रेड हल्क निकल के आ गया बाहर, क्योंकि ये जो अपना खेत था वो कर दिया ख़त्म। मैंने 1 बजे का बोला था, ये टाइम गड़बड़ बता रही है, 1 मिनट। 1:16 ये दिखाएगा, 1:16 ये देखो, घड़ी का टाइम आगे पीछे का स्विच ऑफ हो गई थी। तो बाकी 1:16 को अपन निकला, और ये वाली है अपनी सोयाबीन, जो पता नहीं कब कटेगी। देख रहे हो अभी तो हरी है, ये कितनी ज़्यादा हरी है। हमने सोचा चलो इसकी भी जांच पड़ताल कर लेते हैं। बाकी बस अब यही सोयाबीन रही है, एक तो कल कट जाएगी, उसके बाद यही रहेगा, बाकी सारा हो गया। और ऊपर जो अपना खेत था वो अपन ने कर दिया ख़त्म। अब चलते हैं भाई घर, और मिलता हूँ भाई आपसे कल सुबह। मतलब मेरा अनुमान पूरा सही था, मैंने 1:30 बजे तक का बोला था, 1 बजे भाई हम फ्री हो गए। और हमारे यहाँ मकड़ी भी इतनी है, देखो मकड़ी ने जाला बना लिया, ये तो मकड़ी वरला बन गया यार, वैम्पायर। चलो पहुँचते हैं घर, मिलते हैं आपसे कल सुबह। जयराम जी की आप पहले इधर भाई साहब, नेक्स्ट मॉर्निंग। और इधर आ, इधर इधर आ, वो मनु का भी बोला जल्दी आ, दूर दूर मत भगे। एक तो देखो सबसे पहले, जब मतलब अभी ये सोनू मनु के थोड़े से पल्ले पड़ा है, तो ये इसको बेचारे को धूप में ही क्या बताऊँ, इनके हमारे मैं परेशान हूँ। बाकी एक और चीज़ तो मैं दिखाता हूँ, हैं इसका कुछ बैंड दिख रहा, ये देखो दिख रहा बैंड, ये कौन ने करे हो तो? ये कौन ने करे हो? मैंने तो चलाया ही नहीं। क्यों रात में को तूने नहीं चलाया? तो गिनती का 5-6 राउंड चला। अरे तू 6 राउंड में ठोक दी हो तो तूने? मैंने तो ठोके ही नहीं, ठोका ही नहीं, सोनू का तो नहीं ठोका है। वो सोनू नहीं ठोके यार, रात दूर से किस काम करा। इधर आइए, ये कौन ने ठोके यार? एक तो अच्छा देखो प्यारा ट्रैक्टर था, और ठोका भी कहाँ आगे नहीं, इसके नीचे कुछ इंगल होगा, और इनने घुसाड़ मतलब घुसा दिया उसको। ये देखो पूरा बैंड कर दिया सोनू, पूरे स्टेसी कर दी। हाँ यार, नहीं ये थारो ही काम है, थारो ही काम है। तो ये देखो ना, इडिम तिडिम कर दिया उसको। छे चलाया, 7 चलाया, पर ये ठोके कौन ने, ये बात बताओ तुम तो। इसमें देखो नीचे कहीं नहीं लगे, लगी हुई है इसको, नहीं लगी है नीचे, नहीं लगी है। मैंने नहीं ठोके, मैं ठोकता तो मैं तुम्हारा से नहीं पूछता हूँ, ये तो सोनू का काम है बेटा। तूने ठोके ले रात में, महारा का पतो है तू, एक हाई में खूब रपट रपट चला है, भलतो ही थारो ही काम है। हम कितने ही कैसा भी चला ले, लेकिन ठोका ठाकी का काम नहीं करते। कहीं कहीं एक स्क्रेच बता दे इस पे कि अपने हाथ की, ये बेटा थारा ही काम है सोनू, ये बताओ ये नुकसान कर दिया यार। हाँ तो हंसी कहनी की मन ही ठोके ले, हंसी बोल ली तू कि मन ही ठोके, सुधरे को तो सुधर तो जाए गोबा, कोई दिक्कत जब यहाँ से यू ठुकेल तो अपन ने सुधर ही लियो, देखा तो वो तो 2-3 बार ठोक ठाक को स्थिति कर दिया। ये भोपाल जाए कि चलाना भूल जाए यार। और एक बार वो ट्रैक्टर है ना 35, वो तो नीचे से 735 बहुत मजबूत है, क्योंकि उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, उस पर भी इतने सारे स्क्रैच है नीचे, पता नहीं उसको कौन ने कहाँ ठोक लाया था। लेकिन ट्रैक्टर बदल देंगे, ट्रैक्टर तो बदल दे वो, पर माँ का तो जो ही चाहिए नहीं, मतलब खोल के ठोकनू पड़ा, खोल के ठोकनू नहीं, हाँ हलवो खोल के ठोक दिए वो। ये वहां जाएगा वो का पास, जिन्हें ये फल्ला वल्ला बनवाया था नहीं, उसके पास ये जाएगा, बट उसके पास भी जाएगा, इससे दिक्कत सबसे बड़ी ये थारो ही काम है। हमारी बात सुनो बेटा, तूने ठोक खिलायो है अभिषेक, जब तक चले रहो जब तक तो तू थो, ये ओमन ही ठुके, ये तू थारू ही ठुके, मान नहीं मान, ये तू जो एक नंबर में दौड़ रही, अभिषेक में तो बीच खेत में चढ़ायो नहीं, बीच खेत में चढ़ायो, बीच खेत में चलाऊं, हाँ जी कद्दू बीच खेत में, यो कहीं ना कहीं, हाँ यो इंगल में ठोके है ना नीचे से, इन्हें का ही सोची निकल जा को पूरा इंगल के निकाल दू, और यो वहां, हाँ यो बेवकूफी बेटा, ये थारो ही कारनामो है यार। ये देखो अब इससे दिक्कत ये आएगी, इसका अलाइनमेंट पूरा गड़बड़ हो गया होगा मेरे को जहां तक लगता है, अभी टायर खाएगा है तो नहीं हुई हो तो फिर कंपनी बेवकूफ है, ये जो इतनी सीधी दी रही थी हो गए, या तो इसको सही कराएंगे। वैसे चलाने में तो देखो, और कल रात भी को भी चला ये है, परसों को, कल को नहीं है ये, परसों रात को है ये, कल का नहीं, हाँ इधर तो इंगल था ही नहीं, ये परसों रात है, तूने बताया भी नहीं यार, कहाँ कल परसों कहाँ था यार, हाँ तूने बताया भी नहीं, मैंने ठोक लाया यार सोनू, अब जो चीज भी कहीं भी ठुकाएगी नहीं तो सोनू को नाम आ गो। अरे यार सोनू, बाकी चलने में तो ये बढ़िया चल रहा, मतलब ऐसे कोई पता भी नहीं चल रहा इसको। ये देखो एक उंगली पे अभी भी चल रहा, पर ये देखो बैंड तो बैंड है। देखो ये नट भी ढीला हुई को शायद,
नहीं है, इसको सुधराना पड़ेगा है। पता नहीं क्या क्या होगा, ये दिखवाना पड़ेगा। अभी तो देखो, अभी तो मतलब 3-4 दिन तो चलाएंगे और मैं एक बार फोन लगा के पूछ लूंगा, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है, और चलने देंगे। पर यार इन्हें ठोक दिया यार, नहीं तो इतने पुराने ट्रैक्टर में कहीं से ठोका हुआ नहीं था, बस एक बार नया था तभी ठोका था आगे से, ये दूसरा सिस्टम कर दिया। कोई बात नहीं, इसको अपन करवा लेंगे, या तो इसकी पूरी राड चेंज करवा दूंगा या फिर ये सीधे करने से हो जाएगी ना, तो ज़्यादा बढ़िया काम है। और अगर ऐसे में भी कोई इसको दिक्कत नहीं है तो भी चलने देंगे, क्या दिक्कत है। बाकी आज की वीडियो में था इतना ही, कल अपन कटवाएंगे भाई साहब अपना खेत, और सोनू को अपन अब ट्रैक्टर नहीं देंगे, इसका कोई अंदाज नहीं, इसको सिर्फ 735 दिया जाएगा। कहाँ तू उतार दे, टूट जाएगा नहीं, तू कहाँ उतार दे, थारो कोई अंदाज नहीं है दादा। ठोक दियो वो तो अच्छा, तूने नीचे ही ठोके थारो कोई, पर नहीं तू रात में कह, रात में चला, हमारी बात सुन ले, तू रात में चला तो नदी नाली फेंक दे। अजी कद्दू ऐसी टेस्टिंग बना नहीं देखी है, हाँ। और जबकि इसने 9 बजे रात तक ही चलाया, 9 बजे रात तक ही चलाया हमारे, कहाँ कद्दू 9 बजे रात तक चलाया, 9-10 बजे। हाँ तो तू उतर जा, तो हमने तो 1-1.5 बजे रात तक चलाया, पर रात में कहीं भी ठोके हो तो नहीं, कम से कम थारा जसो ठोक सब गड़बड़ कर दिया। बाकी आज की वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कल चलेंगे। और सोनू को एक सिस्टम भी आ गया, हमको लेने जाना, इसका एक चीज़ आ गई दिख रही है, बहुत प्यारी चीज़, वो दिखाऊंगा तुम्हें 1-2 दिन बाद। आज की वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद, जय राम जी की। सोची कि वह बमूल के बीच में से निकालो, तो बस धीरे धीरे 3 नंबर लोग आगे बढ़ रही हो, तो एकदम वो फंसी गए, तो वो इतने दे रहे ही नहीं करी, मैंने खट से रिवर्स ले ली, इतना ही नदी को रिवर्स लीजिए, ठोकना का बाद रिवर्स लीजिए, जरा ठोकी इतना ही नदी को, तो इंगल ले दे, तो हाँ इंगल तो नबी दे, जरा इस तो सुरखी लगी, इतना मोर नबी की भी आओ, और मन तोता की ताकत लग रही है, चल रो हथौड़ी निकल होती तो हां जी, कद्दू सीधे हुई रो, वही बमूल का झाड़ में ठुक जे, मैं हार्वेस्टर ठुकाए तो सेम ओमे ठोक दियो, बस ओमे ही बताओ, आप सच उगल लियो इन्हें, ऑफ कैमरा सच उगल रो। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहां नहीं रुकता। क्या जी, राड देखो, बमूल वो करवा लू पड़ा हुआ, टायर खराब होने को क्यों दिक्कत नहीं है, वही तो बमूल भी नहीं दिख रहा।